ग्वालियर के नगर थाना इलाके के छपर वाला पुल मार्ग पर दोपहर बाद एक तेज रफ्तार टेम्पो बिजली के खंभे से चापड़ा, जिससे टेम्पो सवार आधा दर्जन के करीब सवारियां घायल हो गईं। साथ ही टेम्पो के पीछे आ रहा एक एक्टिवा सवार भी टेम्पो से टकराकर घायल हुआ है। घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि तेज गति से आ रहा टेम्पो अचानक से बिजली के खंभे से चापड़ा और टेम्पो सवार यात्री और टेम्पो के पीछे आ रहा राहगीर दुर्घटना में घायल हुआ। घटना के बाद तुरंत इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। तो वहीं घटना के बाद टेम्पो चालक अपना टेम्पो सड़क पर ही छोड़कर मौके से भाग निकला। बताया गया कि टेम्पो चालक शराब के नशे में था और नशे की हालत में तेज गति के कारण टेम्पो हादसे का शिकार हुआ है। चाहिए ये सब जान सकते इसको ज्यादा लगी है इंजेक्शन लग गया है ज्यादा लगी है ये टेम्पू बस आ क्या हुआ अभी नहीं बताओ क्या घटना घटना चल रही है पता नहीं स्कूटी से भागा है स्कूटी से भागा स्कूटी से क्या किस चीज से भागा स्कूटी से किसने बड़ी गाड़ी पता नहीं लेडीज की जान से कौन को पता नहीं अब सब लोग ये टेम्पो से हुआ था क्या हां तो टेम्पो चालक भाग गया मौके से कितने लोग घायल हुए टोटल टेम्पो में कितने लोग बैठे थे सब पांच छह लोग हुए सब घायल हुए तो महिला भी कितनी है महिला एक थी वो भी घायल आप टेम्पो में थे हां और क्या मतलब अभी क्या स्थिति है आपकी और कितने लोग अभी और घायल हैं घायल का दो लोग क्या नाम है आपका कहाँ रहते हैं आप क्या करते हैं आप